हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बेटा, जो हम आपको ऑनलाइन वर्क भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, आप सीरियस होकर वॉच उनको कर रहे होंगे और अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का आवर टीथ उस लेसन की मैंने आपको रीडिंग कराई थी और साथ साथ उसकी हिंदी भी ट्रांसलेट कराई थी। आई होप आपको मैंने, देखो बेटा, जो हमारा लेसन 5 था आवर टीथ, उसका पेज नंबर हमारा 34 हो गया था और 35 भी हमारा हाफ हो गया था। उसमें हमारा थोड़ा सा रहा है, वो आज मैं आपको रीड करा देती हूँ। तो बेटा, जो हमारा लेसन है आवर टीथ, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ रीड करते जाना, जिससे आपको अच्छे से इसकी हिंदी भी समझ में आ सके। तो बेटा, टीथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे टू सेट्स होते हैं, एक तो टेम्परेरी सेट और परमानेंट। जो हमारा फर्स्ट सेट होता है वो 6 मंथ से शुरू हो जाता है, उसमें 1 टीथ 2 टीथ आने शुरू होते हैं। और जो परमानेंट, जो हमारे मिल्क के टीथ होते हैं, वो कितने होते हैं बेटा बताओ? मैंने आपको बताया था मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20। और परमानेंट हमारे कितने होते हैं बेटा? 32 टीथ। कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं परमानेंट। कितने होंगे बेटा? 32 टीथ होते हैं परमानेंट जो होते हैं हमारे। तो ये तो सबको पता होगा, टू सेट्स होते हैं और परमानेंट जो टीथ होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम चलते हैं। ठीक है बेटा, और अब हमारे जो टीथ होते हैं वो जनरली कब से, मतलब उनमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है? 12 एज से लेकर 18 एज तक। कितनी एज तक? 12 to 18 एज में जो हमारे टीथ होते हैं उनमें डिके, मतलब डिके मीन होता है सड़ना। क्या होता है डिके मीन? सड़ना, सड़ना या कीड़ों का लगना। ठीक है, तो ये हमारे 12 से 18 एज में जो हमारे दांत है उनमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर हमारा 35 है बेटा, और हम यहाँ से स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन। आवर टीथ गिव अस नेचुरल शेप टू आवर फेस। जो हमारा टीथ होते हैं वो हमारे को नेचुरल फेस देते हैं। मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे आपके रिवीजन भी अच्छे से हो सके। पिछली, टीथ गिव अस एक्सप्रेशन एंड ए ब्यूटी ऑफ ए स्माइल। टीथ मतलब हमारे, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। विदाउट टीथ वर्ड्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड। विदाउट टीथ, बिना टीथ के हम उच्चारण भी नहीं कर सकते, कोई शब्द ढंग से हम बोल नहीं सकते। आवर टीथ हेल्प अस इन स्पीच। हमारी जो टीथ होते हैं वो हमें बोलने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। टूथ डिके टेक्स प्लेस जनरली बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18। देखो बेटा, कितनी एज है? 12 to 18 में हमारे जो टीथ होते हैं वो कीड़ा लगना शुरू होता है। वैन द बॉडी ग्रो मोस्ट रैपिडली, जब हमारी जो बॉडी है ग्रो करती है जल्दी से, तो टूथ डिके गिव्स बैड स्मेल बिकॉज फूड पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इन साइड द टीथ कैविटीज। क्योंकि जो हमारे अंदर जो टीथ होते हैं उसमें कीड़ा कब लगता है, मतलब कीड़ा लग जाता है और उसमें से क्या आती है बेटा? बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और जो हमारे फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे टीथ के अंदर चले जाते हैं छेद में। इनडाइजेशन एंड स्टमक ट्रबल आल्सो स्टार्ट। इससे हमारी इनडाइजेशन मीन्स खाना हमारा जो है अंदर नहीं, मतलब अच्छी तरह से ना तो वो पचेगा ही, और हमें स्टमक की प्रॉब्लम होगी। स्टमक मीन होता है पेट, तो हमारे पेट में दर्द होगा या कोई भी जो ट्रबल है वो होगी। आल्सो स्टार्ट विद डिके बिकॉज वी आर नॉट एबल टू च्यू फूड प्रॉपरली। वी आल्सो स्टार्ट्स, और जो टीथ के डिके, टीथ का मतलब टीथ में कीड़ा लगने तब शुरू होते हैं जो अब हम अपने फूड को प्रॉपरली, च्यू मीन होता है चबाना, प्रॉपरली हम नहीं चबाते हैं। टार्टर इज आल्सो फॉर्म्ड
ऑन द टीथ इफ वी डू नॉट क्लीन दैम प्रॉपरली। टार्टर, टार्टर मीन होता है दांतों का मैल, दांत के अंदर जो मैल होता है टार्टर। ठीक है, दांत के अंदर जो मैल है उसको हम टार्टर बोलते हैं। टार्टर इज आल्सो फॉर्म्ड ऑन टीथ इफ वी डू नॉट क्लीन दैम प्रॉपरली। दांत का जो मैल है वो सही तरीके से सफाई, हमारे टीथ की सही तरीके से सफाई न होने पर वो हमारे टीथ में ही घुस जाता है, ये उनके छेदों में अंदर चला जाता है। इफ आल्सो पसिस द गम बैक फ्रॉम द टीथ, इट आल्सो यह दांतों के मसूड़ों को पीछे की ओर धकेलता है। मीन जो टीथ होते हैं उसके जो अंदर जो मसूड़े होते हैं उनको मतलब पीछे की ओर धकेलता है, जिससे जो टीथ हैं वो उखड़ना शुरू हो जाते हैं। डिके जनरली स्टार्ट व्हेन वी च्यू द फूड एंड टीनी बाइट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट इन द क्रीविस क्रेविसेस ऑफ द टीथ। डिके, दांतों में कीड़े लगना जनरली जब स्टार्ट होते हैं, जब हम खाना खाते हैं उसको चबाते हैं। व्हेन वी च्यू द फूड, जो हमारे फूड के छोटे छोटे टिनी बाइट्स, हमारे फूड के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो हमारे दांतों में दरारों में फंस जाते हैं, और जब हम फंस जाता है दांत में कोई भी चीज़ तो इससे उसमें सड़न पैदा होनी शुरू हो जाती है और कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। देयरफॉर वी शुड ब्रूस आवर टीथ ऑलवेज आफ्टर ईटिंग फूड, इसलिए हमें ब्रूस करना चाहिए कब, हमेशा खाना खाने के बाद हमें ब्रूस करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ बाय फॉलोइंग द रूल्स गिविंग ब्लो, हमें अपने टीथ की दांतों की देखभाल, इसमें बेटा कुछ रूल्स दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं, वो मैं आपको रीडिंग कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा और आप भी रीडिंग करना जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो कुछ रूल हैं जिन्हें फॉलो कर कर आप अपने टीथ को मतलब सही रख सकते हो। फर्स्ट है हमारा वी शुड ईट वेल बैलेंस्ड डाइट, हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए। वी शुड ईट रफ फूड बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज ऑफ आवर टीथ, रफ फूड होता है मोटा मोटा खाना। वी शुड ईट, हमें मोटा खाना खाना चाहिए, मीन्स हमें बाहर का तला या फिर जो जंक फूड है वो नहीं खाने चाहिए। मोटे खाने में आता है बेटा हमारा अनाज आ जाता है, दालें आ जाती हैं, तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारे हम उसको चबाएंगे और हमारे जो टीथ हैं उनको एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। वी शुड च्यू, सेकेंड है वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली, हमें अपना भोजन प्रॉपरली अच्छे तरीके से चबा कर खाना चाहिए। थर्ड वन है वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ग्रेट केस ऑफ टूथ डिके, वी शुड नॉट ईट मैनी स्वीट्स, हमें ज़्यादा मिठाइयाँ चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये सबसे मतलब दांतों में कीड़े लगने का सबसे महान कारण है, मीन सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बच्चे होते हैं वो चॉकलेट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और जिससे उनके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो बेटा जितना हो सके उतना अवॉइड हमें करना चाहिए, ये नहीं कि ना खाएं, खाएं बट इतना नहीं, लिमिट में खाएं और ज़्यादा ना खाएं, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ वन है ब्रश टीथ एवरीडे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, हमें ब्रश करना चाहिए रोज। सुबह तो आप मॉर्निंग में करते ही हो बट बेटा रात को भी आप जब सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जब आप रात को डिनर करते हो तो जो आपके भोजन होता है खाना होता है उसके छोटे छोटे कण हमारे जो टीथ में हैं वो रह जाते हैं, तो इसे अगर हम ब्रश करेंगे तो वो साफ हो जाएंगे और हमारे जो टीथ है उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। फिफ्थ मंथ है वेन एवर वी ईट समथिंग आवर माउथ शुड बी वॉश्ड, वेन एवर ये नहीं है कि भाई हम जब भी खाना खाएं जब भी ब्रश करें, नहीं बेटा देखो आप सुबह शाम तो ब्रश करोगे बट आप भाई दोपहर को भी लंच करोगे या उसके बीच टाइम में भी कुछ ना कुछ तो खाओगे ही,
तो उस टाइम आपको ब्रश ना, अगर ब्रश ना कर सकते हो तो आपको खाना खा लिया है उसके बाद आपको अपने आवर माउथ शुड भी अपने माउथ को मतलब क्या करना चाहिए, पानी से वॉश करना चाहिए, अपने मुंह में पानी डालकर उसके कुल्ले करने चाहिए। वी सिक्स मंथ है, वी शुड गो टू द डेंटिस्ट टू चेक आवर टीथ रेगुलरली। हमें अपने डेंटिस्ट से, डॉक्टर से, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, अपने जो टीथ हैं उन्हें रेगुलरली चेक करवाना चाहिए, नियमित रूप से चेक करवाना चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि भाई हमारे कौन से टीथ में अगर कोई कीड़ा लगा है तो वो उसकी दवाई दे सकें, तो इससे हमारे हमको पता रहेगी कि हमारे टीथ सही हैं। ठीक है बेटा, रेगुलरली आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और चेकअप अपना कराना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप डेली जाओ, नो, मंथ में वन बार जाना चाहिए, एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज आपका लेसन 5 हैव बीन कंप्लीटेड, आपका जो लेसन 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको टीथ के बारे में भी बताया था और उसमें जब कीड़े लगते हैं उसके बारे में भी, और जो हमारे टीथ की केयर कैसे करनी है उसके बारे में भी मैंने आपको इस लेसन में रीड कराया है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो बेटा आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं, बट आपको एक बार फिर कह दूँ, सीरियस होकर वॉच कीजिए और रीडिंग 2 and 3 times या 4 times जितनी भी टाइम आपको मिलता है आप रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी जो रीडिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और वोकैबुलरी जो मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ इसमें से, लेसन में से आपको वर्ड मीनिंग करा रही हूँ, तो इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी अच्छी होगी। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।